सो हे गाइस, वेलकम बैक विद द अनदर अपडेट ऑफ द आईपीओ। और जैसा कि मैंने बताया था, आईपीओ भी जो है वो एक के साथ एक बरसात होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इलेक्शन से पहले आ रहे हैं तीन बढ़िया से आईपीओ, और एक और आईपीओ आने की संभावना भी अभी उसके रिजल्ट के पहले है। जी हाँ दोस्तों, 27 तारीख को आईपीओ लॉन्च हो रहा है, 28 तारीख को लॉन्च हो रहा है, 30 तारीख को भी लॉन्च हो रहा है, और 30 तारीख को शायद एक और आईपीओ भी लॉन्च हो रहा है। ये सभी अपडेट आपको मिलती रहे, इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में लगा हुआ बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ZX इंडिया लिमिटेड के आईपीओ के बारे में, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं बाजार की अपडेट। NSE ने 250 से सस्ते स्टॉक के लिए खास नियम में बदलाव करने का ऐलान किया है, और ये बदलाव जो है वो 10 जून 2024 से लागू हो जाएगा। इसका डिटेल वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया है, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पे जाके आप चेक कर लेना क्या है ये रूल्स। सेबी ने डेरिवेटिव सेगमेंट के स्टॉक्स के प्राइस बैंड के नियम बदले हैं, और उसका सीधा असर जो है वो निवेशकों पर पड़ सकता है। इलेक्शन के नतीजे से पहले ही मार्केट में चढ़ा है तेजी का पारा, और उसका सीधा असर भी निवेशकों पर पड़ रहा है, बाजार पर भी दिख रहा है। गर्मी बढ़ रही है और साथ में सोने चांदी के रेट भी बढ़ रहे हैं, 1 लाख के पार जा सकता है गोल्ड का रेट, ऐसा प्रेडिक्शन माना जाता है। या दोस्तों, नाउ बैक टू द पवेलियन, बात करते हैं आईपीओ की। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ZX इंडिया लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। बात करें कंपनी की डिटेल थी तो इनकॉर्पोरेटेड इन नवंबर 1994, ZX इंडिया लिमिटेड डिजाइन्स इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स एंड प्रोवाइड स्टेट ऑफ द आर्ट स्पेशली जियो टेक्निकल सोल्यूशन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिविल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन इंडिया। कंपनी वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर में इन्वॉल्व है, जो रिसाइकल एंड स्क्रैप मटेरियल का यूज करके थीम पार्क बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है। अब बात करें इस आईपीओ की डिटेल्स की, तो ये आईपीओ 29 मई से ओपन होगा, 31 मई तक आप इसमें इन्वेस्ट कर पाओगे। आईपीओ का साइज 37.30 करोड़ रुपये तय किया गया है, जो कि ऑलमोस्ट फ्रेश इश्यू होने वाला है। इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये पर इक्विटी शेयर तय की गई है, या प्राइस बैंड 104 से लेके 110 रुपये तय किया गया है। इसमें रिटेल कोटा 35%, QIBS के लिए 50% और NII के लिए 15% रिजर्व रखा गया है। दोस्तों, ये भी SME सेगमेंट का आईपीओ होने वाला है, सो इसमें लॉट साइज 1200 शेयरों की तय की गई है। एज एन इन्वेस्टर आपको इसमें 1,35,000 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अब दोस्तों नज़र डालते हैं इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम पर, तो ग्रे मार्केट में ये काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, 65 रुपये के प्रीमियम पर ये ट्रेड कर रहा है, और परसेंटेज वाइज किने तो 59% का मुनाफा आपको इस आईपीओ से मिल सकता है। दोस्तों 59% यानी ऑलमोस्ट 60% रिटर्न आपको इस आईपीओ से मिल सकता है, अगर यही ग्रे मार्केट प्रीमियम चलता रहा तो। पर आप सब जानते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो मार्केट सेंटीमेंट पर डिपेंड करता है, सो ये अप एंड डाउन होता रहता है। लेकिन डे बाय डे अगर आपको इसकी अपडेट जाननी है तो उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पर जाके आप इस कंपनी का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक कर सकते हो। बात करें इसके अलॉटमेंट और इसकी लिस्टिंग की, तो 3 जून को आईपीओ अलॉटमेंट मिल सकता है, और 4 जून को इस आईपीओ का लिस्टिंग हो सकता है। आप आपका अलॉटमेंट जो है उसकी ऑफिशियल रजिस्टर मासिलता सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड की ऑफिशियल साइट पर जाके चेक कर सकते हो। बात करें इस कंपनी के प्रमोटर्स की, तो मिस संगमित्रा बोर्गोहेन, मिसेज तेरेनिया एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड जो है वो इस कंपनी के प्रमोटर्स है। वही इसके लीड मैनेजर और मर्चेंट बैंकर्स के तौर पर नानोनिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को तय किया गया है। अब चेक करते हैं क्या है इस आईपीओ की कंडीशन, तो इसका अर्निंग पर शेयर जो है वो 8.64 पर इक्विटी शेयर तय किया गया है, और इसकी रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वो 34.18% है। इसकी नेट एसेट वैल्यू जो है वो 24.32 पर इक्विटी शेयर तय की गई है। नाउ लेट्स चेक इस फाइनेंशियल रिपोर्ट, क्या आखिरकार कंपनी फाइनेंशियली क्या परफॉर्म कर रही है। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 0.64 करोड़ रुपये था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में कम हो गया 0.8 करोड़ रुपये पर पहुँच गया, लेकिन 2023 में इसने जंप लगाया और पहुँच गया 1.97 करोड़ रुपये पर, और 2024 में ये उससे 70 गुना ज्यादा यानी 7.80 करोड़ के प्रॉफिट पर पहुँच गया। दोस्तों 2 करोड़ से सीधा 8 करोड़ का प्रॉफिट, यानी कि कंपनी ने अपने प्रॉफिट में दुगनी छलांग लगा दी है, और कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल रहा है। सो एज पर अवर रिव्यू, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो यूनिक बिजनेस कंसेप्ट मॉडल पर ये कंपनी वर्क कर रही है,
सो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ग्रे मार्केट में भी इसकी अच्छी डिमांड चल रही है, सो एज पर ग्रे मार्केट प्रीमियम भी आप इसमें गेन करने के लिए अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन मैंने बताया वैसे कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करो तो आपका जरिया लॉन्ग टर्म का ही होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे ही अपडेट जानने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में लगा हुआ बेल आइकन भी दबा देना ताकि कोई भी IPO की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लग रही हो तो आपके नियर एंड डियर को भी जरूर से शेयर करना। सो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट IPO के अपडेट के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।